हेलो दोस्तों, मैं हूं मुदीम खान और आप देख रहे हैं मुदीम एक्स पिजन। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको शौक कराऊंगा किसी कबूतर का, नहीं कबूतर के हाउस का, कबूतर के घर का, कबूतर की पेटी का। दोस्तों हमने टेम्परेरी अपने, क्योंकि न्यू शौक था तो हमने सेब वाली पेटियां मंगा रखी थी, मगर अब शौक बढ़ता जा रहा है तो वैसी वैसी कबूतर की फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी पेटी हम लोग ने ऑर्डर की थी, मंगवाई थी और वो नीचे आ चुकी है, हॉल में रखी हुई है और आप उसका शौक करिए, बहुत अच्छी मजबूत पेटी है। तो चलिए देरी ना करते हो दोस्तों, पेटी का शौक करते हैं, पेटी को दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये है, उन लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाई है। देखिए आगे पीछे से सब आपको बहुत मजबूत पेटी, पटलों की पेटी है ये और सालों साल चलने वाली पेटी है। आप देखिए खाने, देखिए इसके कितने खूबसूरत और कितने अच्छे खाने हैं। देखिए अंदर से गहरे, देखिए आप कितने गहरे हैं, इसमें आराम से चार कबूतर भी आराम से आ जाएंगे, मगर सिर्फ दो कबूतर के ही लिए ठीक है ये खाना। तो ये आठ खानों की पेटी, आठ खानों का घर है कबूतरों का। तो चलिए अब इसको ऊपर लॉफ्ट पे ले चलते हैं और देखते हैं कबूतरों का क्या रिएक्शन होगा। व्यूअर्स, जैसा आप लोग देख सकते हो कबूतरों की पेटी लॉफ्ट पे चढ़ा ली है हम लोग ने, और देखिए इस पेटी के चारों तरफ का, पेटी का भी शौक करिए, देखिए चारों तरफ का शौक कराते हैं। थक गए व्यूअर्स हम लोग चढ़ा के, क्योंकि अच्छा खासा वजन है। टोटल पटलों की पेटी है ये, मजबूत पेटी। देखिए आप खाने, देखिए कितने गहरे खाने हैं। तो चलिए अब लॉफ्ट के अंदर रखते हैं और कबूतरों का रिएक्शन देखते हैं। व्यूअर्स देख सकते हैं आप लोग, पेटी अब हम लोग सेट कर रहे हैं और काफी बड़ी पेटी है। देख सकते हैं व्यूअर्स, काफी भारी पेटी है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ने पेटी जगह पे सेट कर दी है और अभी कबूतरों को अंदर करके उनका रिएक्शन देखते हैं। आप शौक करिए, देखिए पेटी कितनी अच्छी और कितनी मजबूत पेटी है ये, आठ खानों की पेटी। सब खाने खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए व्यूअर्स, सारे खाने आप देख सकते हैं, सब खोल दिए हैं। और देखिए ये हम लोग कबूतर अंडे देने को है, उनके लिए ये सीख भी नीम की तोड़ के लाए हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कीड़ा कम लगता है तो और घोंसला भी अच्छा बनता है। तो आप पहले देखिए पेटी का शौक करिए। ये देखिए कितनी मजबूत है, पटलों की पेटी है ये। तो हम लोग भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी पटलों की ही पेटी बनवाएं, क्योंकि ये देखिए हम लोग ने सेब की पेटी मंगवा ली थी, क्योंकि नए कबूतर पाले थे तो हम लोग ने ऐसी पेटियां मंगवा के, मगर अब क्या है कि शौक बढ़ गया है हम लोग का, तो इसलिए अब सारी सेटिंग कर रहे हैं। देखिए ये फट जाती हैं पेटियां, ये देखिए ये होल हो गया इसमें, देखिए इसमें कबूतर, देखिए अंडे लिए बैठा हुआ है अंडे बच्चे, और देखिए सब अंदर से ये टूट चुकी है, ये देखिए आप। तो इसलिए हम लोग ने ये पटलों की पेटी बनवाई है, ये बहुत मजबूत पेटी है, 15-20 साल आराम से चलती है ये, जिन्होंने बनाई है उनका कहना है। देखिए ये सब सेब वाली पेटियां टूट गई हैं, कमजोर पेटियां होती हैं ये। तो अब हम सारी ऐसी पेटियां बनवा रहे हैं पटलों की, अभी और भी पेटियां ऑर्डर की हुई हैं। तो चलिए अब कबूतरों का रिएक्शन, तो देख सकते हैं व्यूअर्स सारे कबूतर सोच में पड़े हुए हैं, और अभी दो कबूतर, हमारा दोबास कबूतर जो है वो पेटी के ऊपर बैठा है जाके, आप देख सकते हैं व्यूअर्स, और ये सब कबूतर भी देख रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सब कबूतर देखते हुए, कबूतरों का नया घर आप लोग देख सकते हैं, न्यू हाउस। और देखिए ये सेब वाली पेटियां सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही मंगाएं तो अच्छा है, अगर आपके यहाँ ठंडक ज्यादा है, जमीन में कबूतर पले हैं तो जरूर मंगाएं,
वरना गर्मियों में ये पेटी गर्म होके फट जाती है। ऐसा नहीं है कि बरसात में या सर्दियों में पेटियां ऐटती हैं, ज़्यादा गर्मी से भी ये सेब वाली पेटियां जो हैं वो फट गई। मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे, तो आप पटलों की ही पेटी बनवाएं। तो दोस्तों देखा आपने, हमने आपको कबूतर की पेटी, कबूतर के हाउस, कबूतर के घर, कुछ भी बोल सकते हैं, शौक कराया। और आपने देखा कितनी अच्छी मजबूत पटलों की पेटी हमने बनवाई है। तो सजेस्ट करेंगे आप भी अपने कबूतरों के लिए पटलों की मजबूत पेटियां, गहरी पेटियां बनवाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अंडे हैं वो ख़राब नहीं होंगे, इधर उधर गिरेंगे नहीं, अच्छे से रखे रहेंगे, बच्चे भी, मेहनत भी कबूतरों की वसूल हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी आपको वीडियो बनाकर दिखा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।